Next is kinetic energy. Kinetic energy is the energy that a body possesses due to virtue of its motion. Kinetic energy ko mathematically k is equal to half mv square se represent kiya jata hai. If an object is moving, then we can say it is capable of doing work because it has energy of motion or kinetic energy. A wind turbine converts its kinetic energy into electrical energy. अब हम kinetic energy and work के बीच में जो relation है उसको पढ़ेंगे. इसे work energy theorem कहते हैं. इस theorem के according किसी object पर सभी forces के कारण किया गया net work done उसकी kinetic energy में change के equal होता है. यानी work is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KEI है, तो उस पर W वर्क करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़कर या घटकर KEF हो जाएगी. यदि W पॉजिटिव है तो KE बढ़ जाएगी, यदि W नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी. इसको हम बॉल फेंकने या कैच करने के एग्जांपल से समझ सकते हैं. माना हमारे पास एक बॉल है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, यानी उसकी वेलोसिटी v जीरो है, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है. अब हम इस पर फोर्स लगाते हैं जिसके कारण यह डिस्प्लेस होती है, अर्थात किया गया वर्क w ग्रेटर देन जीरो हो तो इससे बॉल की वेलोसिटी बढ़कर v हो जाती है. तो हम यहां पर कह सकते हैं कि वर्क डन होने के कारण बॉल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और W is equal to KE final और KE after. Next example में माना कि एक बॉल velocity V से मूव कर रही है और हम इस पर एक फोर्स F उसकी मोशन के opposite direction में लगाते हैं, जिसके कारण यह बॉल d displacement के बाद रुक जाती है, अर्थात work done will be negative. इससे इसकी kinetic energy घटकर जीरो हो गई है. अब हम एग्जांपल के द्वारा वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करेंगे. माना एक बॉक्स है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. अब हम इस पर एक फोर्स f लगाते हैं जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट d के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है. सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी v, वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट d की फॉर्म में लिखें, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a डॉट d. अब दोनों साइड को मास m से मल्टीप्लाई करने से हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू m टाइम्स a dot d. Now mass into a को हम लिख सकते हैं force, तो ये equation बन जाएगी f dot d is equal to half mv square minus half mu square. Half mv square minus half mu square को हम लिख सकते हैं k final minus k initial, और f dot d को हम work लिख सकते हैं. तो इससे हम कह सकते हैं कि change in kinetic energy is equal to work done.